पता है तुम पे भरोसा किया था मैंने, भरोसा करके ना सिर्फ अपने बच्चों को सौंपा था, अपने शौहर को भी सौंपा था। लेकिन तुमने खयानत करते वक्त एक दफा भी नहीं सोचा, जिन बच्चों का दिन रात ख्याल रखती रही उन्हीं के साथ खयानत की। तुम भी सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारे शौहर को फंसा लेती तो क्या करती तुम? हाँ, यकीनन तुम भी कुछ नहीं कर सकती थी। जानती हो मैं, खुश तो तुम बहुत होगी मुझे बर्बाद कर। अब आज तुम भी नहीं रहोगी फबिया। मैं अपनी चाहत में किसी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम्हें चाहने के लिए मेरा ही शौहर मिला था। अकेला इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है, आपकी जिम्मेदारियों ने उन्हें अकेला कर दिया और तुमने इस बात का फायदा उठाया। मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनसे उनका बाप छिन जाएगा। और जो तुम हरीन के दिमाग में बातें डाल रही हो ना, बाज आ जाओ। अपने शौहर को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें याद रखना। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अपनी किस्मत पे इतना रश्क मत कर, मर्द है। मुझसे वफा नहीं की तो तुमसे क्या करेगा? मर्द तो मशहूर है अपनी बेवफाई के लिए। आप उन्हें माफ करके अपनी वफा निभा लें और घर वापस आ जाए। आ जाती हूँ मैं। तुम निकल जाओ, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। करो फैसला। एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता सब कुछ कुर्बान करने के बाद अपने शौहर को छोड़ देना। लेकिन मैं गुजर रही हूँ इस दौर से, मुझे तकलीफ दी है ना तोर, फुश तो दी कभी नहीं रहूंगी कभी। हाँ, कभी नहीं।